नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, गलत साइड आ गई हूँ। बिल्कुल सही साइड आई हो तुम। जो रास्ता तुम्हें राकेश की तरफ लिख रहा है वो रास्ता सही होता है। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की? क्या? वो क्या है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल ना बड़ा बेचैन सा हो जाता है। नीति ने दिलजीत को बुला लिया है परी को मारने के लिए, और यहाँ पर दिलजीत आ जाता है। और दिलजीत आपको पता ही है कि भाई ताईजी का बेटा है यहाँ पर, वो पहले से ही ताईजी उसको पसंद नहीं करती है। मतलब वो घर पर उसका आना जाना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीति बुलाएगी उसको मारने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे मारोगे, और वो गन वगैरह देती है उसको। मैं ना तुम्हारे साथ ना जोड़ी बनाना चाहता हूँ। मुझे वो जो संजो ना संजो, वो ना फूटी आंख नहीं पाता मुझे। मैं तो माता रानी से ना मन्नत मांगने आया था कि उसको ना मार डालो। चुप हो जाओ, अगर तुमने राशिद के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा तो ही नहीं होगा। तो दिलजीत बोलता है कि नहीं, मुझे मैं बंदूक से नहीं मारूंगा उसको यहाँ पर, तो हम पहाड़ों पे से उसको धक्का दे देंगे और वो गिर जाएगी। तो नीति यहाँ पर मान जाती है, लेकिन इतने में ना अचानक से राजीव और परी दिलजीत को देख लेते हैं कि वो यहाँ पर कैसे, और पीछे पीछे आ जाते हैं। अब भाई जो गुरवेंद्र है ना वो डर जाती है, क्योंकि गुरवेंद्र को लगता है अगर दिलजीत को नीति और बेबे के साथ देख लिया ना तो सब भांडा फूट जाएगा और उनका। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो फिर तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। क्या रखा है संजू में? तुम मेरे साथ आ जाओ यार, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नीति के साथ तो नहीं देखता है, बट कहीं ना परी को थोड़ा शक होने लगा है, क्योंकि दिलजीत का अचानक से आना यहाँ पर जहाँ पर वो लोग हैं, वो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। हो सकता है कोई किसी की प्लानिंग हो। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई नीति और बेबे यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे हैं रेस्टोरेंट में और प्लानिंग कर रहे हैं, और इतने में ना राकेश पकड़ लेगा नीति को। गोली मारो उसको, रो मत, आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। राकेश को भनक लग जाएगी कि भाई नीति यहाँ पर बड़ी प्लानिंग के साथ आई है, बंदूक वगैरह लेके आई हो, परी को मारने के लिए आई हो, दिलजीत को भी उसने कॉल कर लिया। तो यहाँ पर राकेश आएगा और राकेश उसे पूछेगा कि तुमने दिलजीत को क्यों कॉल किया, तुम परी को मरवाने वाली हो? तो नीति बोलेगी हाँ मैं उसको ना इस बार मार दूंगी। और ये सुनकर ना राकेश को गुस्सा आएगा और राकेश नीति के ऊपर बंदूक रख देगा और बोलेगा कि परी को ना कुछ नहीं होना चाहिए, दिलजीत को अभी फोन करो और उसे मना करो कि उसको मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भाई अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परी की जान बचेगी, या फिर जो राकेश है, नीति है, दिलजीत है, ये सब लोग ना राजीव के सामने आ जाएंगे, क्योंकि राजीव को पता तो लगने वाला ही है, क्योंकि ये सारे लोग ना एक ही जगह हैं। यहाँ पर नीति, बेबे और गुरविंदर भी अलग प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है राजीव गुरविंदर की बात सुन ले नीति से जो बात कर रही है, जो प्लानिंग कर रही है, या ये भी हो सकता है कि भाई वो राकेश को दिलजीत के साथ देख ले तो हो सकता है कि परी की जान बच जाए, या ये भी हो सकता है कि भाई परी को वो धक्का दे दे दिलजीत पहाड़ों के ऊपर से और परी की जान चली जाए।